मैं संविधान हूं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने मुझे पारित किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से आज तक आजाद भारत ने जितने दौर देखे हैं, मैं उन सब का साक्षी हूं। मैं भारतीय जनमानस की आस्था का केंद्र हूं और इसका श्रेय जाता है संविधान निर्माताओं की दूर दृष्टि को। इतिहासकारों के मुताबिक मुझे अंतिम रूप देते वक्त संविधान सभा का सिर्फ एक मंतव्य था कि भारतीय संविधान ऐसा हो जिसकी जड़ें हमारी सभ्यता और संस्कृति में गहरी पैबस्त हों, क्योंकि इनसे जुड़े बिना भारतीय संविधान स्थायी नहीं रह सकता। ऐसी उज्जवल सोच के सशक्त पक्षधर थे संविधान सभा सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सादुल्लाह डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्यों में से एक थे, पर एक जरूरी पहल के लिए इनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। आपकी जानकारी के लिए, अंग्रेजी हुकूमत साल 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाई थी जिसके दायरे में 500 जनजातियां थीं। अंग्रेज इन्हें क्रिमिनल ट्राइब कहते थे और तमाम सुविधाओं से भी दूर रखते थे। आजादी के बाद मेरे गठन के दौरान इस अन्यायपूर्ण कानून को डीनोटिफाई करने के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई थी। इस बहस में मेरे 2 सदस्य जयपाल मुंडा और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह ने आजाद भारत में इस एक्ट को खत्म करने की जोरदार वकालत की थी। नतीजतन 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स लॉज रिपील एक्ट लाकर इन जनजातियों को विमुक्त कर दिया गया। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका आपराधिक कलंक से मुक्त है। ये थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, जिनके प्रयास से भारत के जनजातीय समुदाय को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सका। अगली बार बात एक ऐसे ही और संविधान निर्माता की।